दोस्तों आपका के जी एन एनिमल चैनल में वेलकम है। दोस्तों आज जो है मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसके अंदर बताऊँगा कि आप जो है अपने बिजली बिल, करंट का बिल जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका पेमेंट जो है आपको अमेज़ॉन से कैसे करना है। तो इसमें जो है इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जो है अमेज़ॉन से इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर पेमेंट करना है तो इसके लिए जो आपको अपने अमेज़ॉन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है इसमें अपडेट होते रहते हैं, बहुत सारे फीचर्स आते रहते हैं। तो आपको जो यहाँ पे देख सकते दो ऑप्शन मिलता है, एक तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे अमेज़ॉन पे का, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो है कभी भी अगर कितना भी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट हो जाता है तो अगर आपको डायरेक्ट निकलना है तो यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में तीन आइकन बना हुआ है, थ्री आइकन, इस पर क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद इसके अंदर आपको खोजना है अमेज़ॉन पे, देख सकते हैं यहाँ पे मिल चुका है अमेज़ॉन पे, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने देख सकते हैं ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और आप जो है अगर यहाँ पे होम पे अगर आपको देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़न पे का ऑप्शन जो कर रहा है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो भी जो है हमारे उसी पेज पे चले जाते हैं। तो देख सकते हैं हम जो इसी पेज पे आ चुके हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे, तो ये जो आपको थ्री आइकन पे जो आप क्लिक करके अमेज़न पे में, ये जो आपको हमेशा रहने वाला है। और ये जो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये जो यहाँ पे ऑप्शन जो कर रहा है इसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको जो उस तरीके से जाना है। और एक यहाँ पे और भी है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पे बिल, आप इस पे बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारे यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे रिचार्ज का, डीटीएच, पोस्टपेड, एलपीजी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। तीसरे नंबर पे जो है थर्ड ऑप्शन पे जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन है जिसके थ्रू जो आप इसके अंदर जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन पे क्लिक करना है उस पे क्लिक करके आप जो है इसमें क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा जो है ऊपर की तरफ जो आपको स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको शो कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। फर्स्ट नंबर में ही यहाँ पे आपको शो कर जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है सेलेक्ट स्टेट। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपके जितने सारे स्टेट हैं वो सारा जो यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए यहाँ पे फिलहाल जो है यहाँ पे बिहार से हैं तो बिहार वाले स्टेट को यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे बिहार में जो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके भी एरिया में दो ऑप्शन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू प्रोसेस, यहाँ पे आप किस बोर्ड के थ्रू जो है आप बिजली यहाँ पे लिए हैं तो वो जो आपके पेज पे ऑप्शन पे शो कर जाएगा। तो आप उस पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो है यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के यहाँ पे लिया हुआ। और यहाँ पे दूसरा है कि साउथ बिहार, यहाँ पे एक नॉर्थ बिहार है और एक यहाँ पे साउथ बिहार है। तो मैं जो है नॉर्थ बिहार के माध्यम से यहाँ पे बिजली का बिल पेमेंट करूँगा क्योंकि मेरा जो है वो पावर वो नॉर्थ बिहार के थ्रू आया है, नॉर्थ बिहार के तरफ है। तो हम यहाँ पे जो है उसको सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे थर्ड नंबर में आ गया है प्लीज़ इंटर कंज्यूमर आईडी और कस्टमर नंबर, यहाँ पे कंज्यूमर नंबर। तो ये जो है आपको कंज्यूमर नंबर अगर आपका बिहार का ही है तो आपको जो स्लिप मिलता है, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का स्लिप मिलता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के जो है यहाँ पे बगल में आपको शो कर रहा है ऐसा एक स्लिप मिलेगा। और आपको जो है इस जगह पे जो आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर शो कर जाएगा, तो आपको जो है उस कंज्यूमर नंबर को देख कर यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम अपना जो है यहाँ पे कंज्यूमर नंबर इंटर कर देते हैं। आपको भी जो वहाँ पे 11 से 12 डिजिट का जो है कंज्यूमर नंबर रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम अपना जो है कंज्यूमर नंबर इंटर कर देते हैं। और उसके बाद जो आपको इंटर कर लेने के बाद तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा इंटर हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे फेच बिल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप फेच बिल पे क्लिक कर दीजिए। फेच बिल पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे आपका सर्च लेगा और सर्च लेने के बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं खुल के आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे खुल के आ चुका है, कस्टमर का यहाँ पे नाम शो कर जाएगा जिसके नाम से बिजली बिल आया हुआ है उनका नाम शो कर जाएगा। और बिल डेट जब भी आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे बिल डेट कब जनरेट हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। और ड्यू डेट जो है कि मतलब कब इसका जो है ड्यू डेट खत्म होने वाला, एक्सपायर कर जाएगा डेट, मतलब आपको फाइन लग जाएगा अगर इस डेट के अंदर आप अगर पेमेंट नहीं करते। तो जैसे कि यहाँ पे 28 तारीख का जो है यहाँ पे शो कर रहा है, 28 तारीख के अंदर अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे ड्यू डेट में चला जाएगा हमारा ये बिजली बिल। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू पे का ऑप्शन शो कर रहा है और यहाँ पे जो हमको 2114 रुपये का जो है बिजली का बिल आ चुका है। तो यहाँ पे हमको कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है अमेज़न के अंदर जो है दूसरा पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारा जो है पेमेंट का ऑप्शन दे दिया। फर्स्ट में जो है यहाँ पे अमेज़न पे बैलेंस का ही ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आपका बैलेंस जो है अमेज़न पे के अंदर है जितना आप पेमेंट करना चाहते हैं तो जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप अमेज़न पे बैलेंस से पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड में जो यहाँ पे अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर ये आपके अमेज़न के अंदर जो है यूपीआई क्रिएट है, यूपीआई अकाउंट बना हुआ है अगर आपके अमेज़न के अंदर, तो ये वो वाला ऑप्शन है देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया है अमेज़न पे यूपीआई, तो इसके थ्रू जो आप पेमेंट कर सकते हैं। वरना अगर आपको किसी दूसरे मतलब ऑप्शन का यूपीआई बना हुआ है तो वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर आपका नेट बैंकिंग है तो वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे पेमेंट का, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का और यहाँ पे जो है अमेज़न पे बैलेंस, ये सारे ऑप्शन से जो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे बैलेंस जो है वो 4000 से ऊपर है और यहाँ पे मुझे 2114 का बैलेंस करना है। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस ऑर्डर एंड पे का ऑप्शन जो है यहाँ पे जीरो बैलेंस होकर यहाँ से जो है बैलेंस सेलेक्ट कर चुका है। अगर यही अगर हम अमेजन पे UPI पे कर देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो शो करने लगा है और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर एंड पे का ऑप्शन आ गया है। तो देखिए ये था, अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं अगर अमेजन पे UPI से तो आप जो है इससे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन को खोलने के, वरना जो है इसके अंदर एक और ट्रिक है जिसके थ्रू जो आपको थोड़ा सा कैशबैक भी मिल जाएगा और ये है कैश करो। देख सकते हैं यहाँ पे इसी कैश करो, इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप जो इसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद जो यहाँ से जितने सारे भी आप अमेजन पे ट्रांजेक्शन करते हैं हर ट्रांजेक्शन पे जो आपको कैशबैक अच्छी खासी मिलने वाली है। तो यहाँ पे जब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा कैश करो, मैं जो यहाँ पे वेबसाइट पे चला रहा हूँ आप जो इसका जो एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन यूज़ कीजिएगा तो आपके सामने जो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे भी शो कर जाएगा यहाँ पे रिचार्ज का। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा खुलता है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन शो कर रहा है, इस ऑप्शन पे यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसको यहाँ पे स्लाइड कर देना है, स्क्रॉल करना है लेफ्ट राइट सेंड में। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ गया रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर में भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और मिनिमम जो है यहाँ पे 10 रुपये का रिवार्ड मिलने वाला है, यानी कि 100 रुपये के ट्रांजेक्शन पे जो हमको 10 रुपये का कैश करो के अंदर जो है रिवार्ड मिल जाता है। और ये जो हमारा बैलेंस जो है कैश करो के अंदर मिलता है इसको जो हम अमेजन पे बैलेंस या फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड जो है और या अमेजन का गिफ्ट कार्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जब 250 का हो जाएगा कैशबैक आप यहाँ पे जीत लेते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप जो इसको अमेजन गिफ्ट कार्ड या फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे ऑप्शन में आ जाने के बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं रिवार्ड लिखा है 10 रुपीज़ का रिवार्ड, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन शो कर रहा है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे विजिट रिटेलर पे क्लिक कर देना है आपको, उसके बाद जो है आपको रीडायरेक्ट कर देगा अमेजन पे। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आपको अटैच करने बोलेगा कैश करो को जो है अमेजन से अटैच करने बोलेगा। तो उसमें जो आप लॉगिन जो है मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के जो यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप सेकंड में जो जितना बार भी करते हैं तो यहाँ पे जो आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे तो सारी चीज़ पता ही है। तो इस तरीके से जो है यहाँ आप इसको फॉलो कर लीजिए, जिस तरीके से मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे सेम प्रोसेस का जो आपको फॉलो कर लेना है। तो चलिए हम जो यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं, तो आपके सामने जो है देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम वैसा ही वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारे सामने जो है इतने सारे ऑप्शन खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम है, लेकिन क्या है कि आप कैश करो के थ्रू करते हैं तो आपको 10 रुपये का जो है कैश करो के अंदर जो आपको कैशबैक मिल जाएगा, 10 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो ये जो है आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर अमेजन के अंदर ऑफर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करने के बाद जो भी आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको एप्लीकेशन को ओपन किया है और यहाँ पे अब मैं जो है अमेजन पे बैलेंस से ही पेमेंट करने वाला हूँ और यहाँ पे प्लस ऑर्डर एंड पे का ऑप्शन जो कर रहा है इस वाले ऑप्शन पे हम कर देते हैं। अगर आप किसी और पेमेंट से करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं सेलेक्ट हो गया अमेजन से, तो यहाँ पे तो मैं जो यहाँ पे अमेजन पे बैलेंस से करूँगा। तो यहाँ पे प्लस ऑर्डर एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और प्लस ऑर्डर एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो ये पेमेंट वो हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट हो गया और यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दे दिया कि थैंक यू योर रिक्वेस्ट हैज़ बिन प्लेस। और यहाँ पे जो आपको ये अगर आपका ईमेल आईडी अमेजन एप्लीकेशन से अटैच है तो उसमें भी जो आपको मैसेज कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी जो है मैसेज आ जाएगा और ये मैसेज जो आपको 30 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं शो कर रहा है स्टेट यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे प्रोवाइडर जो है प्रोवाइडर यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे कंज्यूमर आईडी शो कर रहा है और यहाँ पे बिल अमाउंट जो था वो यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे ऑर्डर डेट जो मैंने किया है और ऑर्डर आईडी जो होता है जो वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो आप अपने अमेजन का जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं अमेजन के थ्रू बड़ी आसानी से। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप कैश करो के थ्रू करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक भी मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन का जो है अमेजन का भी और कैश करो का जो है लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है वहाँ से उसके अंदर जो है अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है उसका जो है लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देख के आप एक उसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको जो है ये आपने पेमेंट किया है, अगर इसका आपको फिर से अगर देखना है डिटेल्स तो यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे योर ऑर्डर है इस योर ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं मैंने जो अभी पेमेंट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो आपके सारे यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डिटेल्स वो सारे शो कर रहे हैं, किस डेट को आपने पेमेंट किया और ऑर्डर आईडी क्या है और कितने का पेमेंट किया वो और किस थ्रू से किया, आपने UPI से किया या अमेजन पे बैलेंस से किया या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से किया, वो सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं एक मैसेज भी दे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में भी कुछ यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहे हैं, ऑपरेटर रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे BBPS रेफरेंस नंबर दिया है और यहाँ पे बस इतना ही और अमाउंट नीचे शो कर रहा है कितना का मैंने पेमेंट किया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको बता दिया कि आप अमेजन से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट आप किसी भी स्टेट का किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको सारी जानकारी मिल गई, कोई क्वेश्चन क्यूरीज है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जो है आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।